जी आवाज आ रही है मेरी बच्चों? ओके ग्रेट सर, टॉपिक को फिर कंक्लूड कर देते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन को, एंड देन इसके बाद एक माइन्यूट सा टॉपिक है जॉब स्ट्रेस का, वी ऑल्सो टॉक अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स। Earlier we discussed that there are two main factors that create job satisfaction, वो हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी को वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जिसमें इट सेज दैट देयर आर हाइजीन फैक्टर एंड देयर आर मोटिवेटर फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स यूज करते हैं टू प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन, मोटिवेटर फैक्टर यूज करते हैं टू क्रिएट सैटिस्फैक्शन, एंड दिस इज वेयर दिस कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएटेड विद द अर्लियर बिलीफ। पहले ये बिलीव था कि सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन स्केल दोनों सेम होती हैं, बट नाउ इट इज़ बिलीव्ड कि नहीं, ये दो अलग अलग स्केल्स हैं। हाइजीन फैक्टर्स अलग होते हैं, मोटिवेटर फैक्टर्स जो हैं वो अलग होते हैं। हाइजीन फैक्टर्स को हम इन प्लेस रखते हैं टू प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन, और मोटिवेटर फैक्टर्स को हम इन प्लेस रखते हैं टू क्रिएट सेटिस्फेक्शन। देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच वी कैन एनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन को एनहांस करने के मुख्य तरीके हैं, इसमें से लाइक दिस इज अ ह्यूज लिस्ट। इसमें से कुछ तरीके जो हैं वो एम्प्लॉयर के करने वाले हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉई के अपने कंट्रोल में हैं। सो देर आर सम फैक्टर्स दैट आर कंसर्न्ड बाय द एम्प्लॉयर। लाइक अगर आप इस लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो जो पहले 6 पॉइंट्स हैं ये एम्प्लॉयर के करने वाले काम हैं, द मैनेजर और द एम्प्लॉयर। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर शुड स्पेंड टाइम इन डेवलपिंग एम्प्लॉयज स्किल्स एंड पोटेंशियल। ये काम एम्प्लॉयर का है, उसको एम्प्लॉय के स्किल्स और पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए टाइम देना है, उसको एम्प्लॉयज़ के जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए उनके साथ उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है। इसी तरह पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पर बात हो चुकी है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के लिए आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना पड़ता है सबॉर्डिनेट्स को, दैट इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फेनोमेना। You also need to provide frequent and appropriate rewards and recognition. आपको rewards और recognition देनी पड़ती है employees को appropriate way में, frequently देनी पड़ती है ताकि employees जो हैं वो motivate होते रहें। तो आपका जो reward system होता है, that is highly aligned or highly connected with the satisfaction of the people. You see, this is where the employer is engaging himself. The manager or the employer is engaging himself, so that he or she can make the best possible use of his authority and decision that will lead to job satisfaction. इसी तरह एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये भी आपका जो एम्प्लॉयर है उसका काम होता है। अच्छी वर्क एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गिविंग चाइल्ड केयर, जैसे डे केयर फैसिलिटीज होती हैं, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन हैं, दोज हु ऑल्सो हैव डिपेंडेंट किड्स, उनके लिए डे केयर फैसिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑफिस के अंदर अक्सर फिर जिम्स होते हैं, एक कैंटीन, नाइस रेस्टोरेंट्स, आउटसाइड स्पेस, कोई लॉन वगैरह होता है, क्वाइट जोन्स होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट्स ऑफ योर वर्क एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे आपकी वर्क एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं जो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को एनहेंस करते हैं, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फिर जितने सेटिस्फाइड होंगे उतने मोटिवेटेड होंगे। अंडरस्टूड, ये भी बात हुई थी हमारी, दैट द मोर सेटिस्फाइड आर द पीपल द मोर मोटिवेटेड दे आर। सिमिलरली आप इनक्रेज करते हैं और रिवॉर्ड करते हैं थॉटफुल रिस्क टेकिंग को। मॉस्केंटर की थ्योरी में देखा था हमने, एंटरप्रेन्योरशिप एक पॉइंट डिस्कस होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है दैट यू आर अलाउइंग द पीपल टू टेक रिस्क। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जब थॉटफुल रिस्क टेकिंग इनक्रेज करती हैं, तो बेसिकली लोग मोटिवेट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट दे आर अचीविंग समथिंग। आपको लगता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, और जब आपको लगता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। सिमिलरली एम्प्लॉयर्स शुड इन्वेस्ट टाइम इन इवैल्यूएटिंग एंड मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के दो तरीके हैं, फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल तरीका तो है वो सिंपल कन्वर्सेशन है, यू सिंपली कन्वर्स विद योर एम्प्लॉयज, आप उनसे बातचीत करते हैं और आप उनसे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू पूछने की कोशिश करते हैं कि वो कितने हैप्पी हैं अपनी जॉब से। फिर एक ज़्यादा फॉर्मल तरीका जो है वो आपका फीडबैक होता है, एम्प्लॉई सर्वे होता है,
आपके अप्रेजल्स होते हैं, ड्यूरिंग अप्रेजल्स एंड ड्यूरिंग फीडबैक सर्वेज यू ट्राई टू मेजर दैट हाउ सैटिस्फाइड योर एम्प्लॉय आर. तो ये जो पहले छह पॉइंट्स हैं, दी सिक्स पॉइंट्स आर कंसर्न विद द एम्प्लॉयर. ये एम्प्लॉयर के हैं. लाइक इफ यू आर अ मैनेजर यू नीड टू बी फोकसिंग ऑन दीज पॉइंट्स टू डेवलप अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स और अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स. फिर अगले चार पॉइंट्स हैं, ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है. दिस इज वॉट एम्प्लॉय इज सपोज टू डू. एम्प्लॉय को अपने एंड पे क्या करना चाहिए. दिस इज नॉट अ सिंगल पर्सन टास्क. जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो अलोन एम्प्लॉयर पे या ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय पे भी उतनी ही डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, आपका एम्प्लॉयर तो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की, बट वेदर और नॉट यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अप दैट ट्रेनिंग. क्या आप वो ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं? ठीक है, तो ये आपके ऊपर है. To what extent you are willing to take part, to what extent you are willing to engage yourself in those opportunities which are provided by your employer. इसी तरह employee benefit programs होते हैं, ये भी employee की अपनी decision होता है कि वो employee benefit program में participate करने में interested है या नहीं है. इसी तरह फिर कुछ philanthropic initiatives होते हैं. Philanthropy कहते हैं something that is concerned with the social cause. जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, दैट इज अ फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव. साल में एक दफ़ा वो प्लांटेशन की मूवमेंट चलाते हैं, दरख्त लगाओ मुहिम चलाते हैं. अब वो दरख्त लगाओ मुहिम जो है दैट्स अ फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव. या अक्सर तालीमी इदारे जो हैं वो अपनी फैकल्टी को एंगेज करते हैं टू टीच डिजर्विंग किड्स, डिजर्विंग चिल्ड्रन. तो ये आपके करने वाले काम है. यू शुड एंगेज योर सेल्फ इन सच एक्टिविटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय योर एम्प्लॉयर, ताकि आप उतना ज़्यादा डेवलप हो सकें. फिर आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होता है. यू हैव टू सेट योर गोल्स, योर यू हैव डिफाइन योर वर्क. ये तो खैर फर्स्ट चैप्टर में भी आपको याद होगा, डिस्कस हुआ था टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर. बट यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, यू नीड टू सेट योर डेली गोल्स, डेली टारगेट्स. यू नीड टू सेट योर मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव. इस वक्त कैप क्वालिफाई करना आपका मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है ना, दैट्स अ मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव. स्पेशली ये जो करंट पेपर्स हैं इनको क्वालिफाई करना. यू नीड टू एंश्योर, टेक द स्टेप टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू अचीव दैम. पहले आप एक गोल सेट करते हैं, फिर आप उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर आप उसको अचीव करते हैं. टू मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विल लीड टू जॉब सेटिस्फेक्शन इज दिस वन. यू नीड टाइम टू रिवाइटलाइज, रिफ्रेश. मोनोटनी को तोड़ने के लिए फिर आपको कुछ अपने आप को वक्त देना पड़ता है. गो टू सम जिम, गो टू सम हेल्दी एक्टिविटी, कोई फिजिकल काम करें, मॉर्निंग वॉक फॉर एग्जांपल, इवनिंग वॉक. तो ये भी आपके अपने कंट्रोल में है ना. द मोर द बेटर केयर यू विल टेक फॉर योर सेल्फ, द बेटर चांसेस आर देयर कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा परफॉर्म करेंगे. जितना आप अपना ख्याल कम रखेंगे उतना आप सुस्त हो जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एंड दैट वुड लीड टू डिजास्टर. सो दिस क्वेश्चन एग्जामिनेशन दो तरह से आ चुका है. What are the key ways in which employees can enhance their job satisfaction? तो कौन से तरीके हैं जिसमें employees अपनी job satisfaction का enhance कर सकता है? तो मुख्तलिफ तरीके हैं. कुछ employer के control में हैं और कुछ employee के अपने control में. There are some components which are controlled by the employer. Employer determine करता है. And there are some components जो कि employee खुद control करता है उसके according उसको manage करता है. Another facet of workplace behavior is your stress. ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. जॉब स्ट्रेस बेसिकली एक फीलिंग है टेंशन की और एग्जॉशन की. इट्स अ फीलिंग ऑफ टेंशन और अ फीलिंग ऑफ एग्जॉशन और फीलिंग ऑफ डिप्रेशन विच इज टिपिकली एसोसिएटेड विद योर ओवरली डिमांडिंग वर्क. हम बात कर रहे हैं जॉब स्ट्रेस की. स्ट्रेस तो अपने आप में बड़ा ब्रॉड फिनोमेना है. स्ट्रेस की तो और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं. आपकी हेल्थ माइट बी अ रीजन ऑफ योर स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल, your financial situation might be a reason of your stress. Hum baat kar rahe hain job stress ki. Job stress jo hai that is a resultant of an overly demanding work, excessive work. Jab kaam ka pressure bahut zyada hota hai to aap stress mein chale jaate hain. Stress is a very harmful physical and emotional condition. Stress ke physical impacts bhi bahut aaye hain, stress ke emotional impacts bhi bahut aaye hain. So stress ek badi harmful physical aur emotional condition hai जो कि इंडिविजुअल्स की इंटरेक्शन से जो है वो अराइज करती है वर्क प्लेस के ऊपर. जो आपकी डेली हैसल्स हैं, डेली अपलिफ्ट्स हैं, डेली जो आपके इमोशनल टर्बुलेंसेज हैं, उससे स्ट्रेस पैदा होती है. उससे जो स्ट्रेस है वो सामने आती है. स्ट्रेस जो है दैट रिजल्ट फ्रॉम डिमांड मेड ऑन इंडिविजुअल
एक उसकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी के ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक अ पर्सन इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर 8 आवर्स बट स्टिल यू आर डिमांडिंग मोर, तो इससे मोनोटनी पैदा हो जाती है, फीलिंग ऑफ फेलियर पैदा हो जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है. यू वर्क हार्ड लेट्स से बट यू आर अनएबल टू क्लियर अ पेपर, तो अल्टीमेटली आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, कितनी मेहनत करने के बावजूद पता नहीं क्या वजह है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा. हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है दैट इज अ वेरी क्रिटिकल फिनोमेना एंड दैट कैन लीड टू अ वेरी इट कैन लीड टू एक्सट्रीम मेडिकल एलिमेंट्स ब्रेक डाउन या इस तरह की चीज़ें. देखें एक होती है टेंशन और एक होता है स्ट्रेस. टेंशन जो होती है ना ये पॉजिटिव है कि आपको हर वक्त ना ऑन टोज रहना पड़ता है. अगर आप टेंस जो होंगे ना तो टेंशन आपको ऑन टोज रखती है, सेंसिटाइज रखती है, टेंशन लेनी चाहिए. अगर आप आजकल एग्जाम्स की टेंशन नहीं लेंगे तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू स्टडी, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टडी. टेंशन लेते हैं तो पढ़ते हैं ना. जब टेंशन बढ़ जाती है और एक सर्टन स्टेज पे आके आप बेबस महसूस करने लग जाते हैं तो दैट इज वेयर यू आर फीलिंग नाउ स्ट्रेस्ड, वहां पे फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हैं. सो यस टेंशन इज समथिंग जो कि आपको ऑन टोज रखती है, जो कि आपको हर वक्त एक्टिव रखती है, आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज रखती है, आप सेंसिटिव रहते हैं. तो टेंशन से आप सेंसिटिव रहते हैं नो डाउट, बट एज सून एज इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रेस ये फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इसमें फिर मसाइल ज्यादा हो जाते हैं. तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, सो मेनी फैक्टर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेस क्रिएटिंग फैक्टर्स. स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज से क्या मतलब है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं. स्ट्रेस का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा, यू विल डेविएट फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर. इनफैक्ट अगर हमने स्ट्रेस को समझना हो ना कि ये बंदा कितना स्ट्रेस में है तो हम उसके बिहेवियर को ही देखते हैं. नॉर्मली अ स्ट्रेस्ड पर्सन विल नॉट बिहेव नॉर्मली. एक स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल बिहेवियर से हटके बिहेव करता है, उसके परफॉर्मेंस पैटर्न चेंज हो जाते हैं and that will result in your lesser effectiveness and lesser performance. So, जितने आप स्ट्रेस होते हैं आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं और जितने चेंजेस आते हैं उतना उसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे आता है. तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है आपकी जॉब स्ट्रेस से. सो वर्क प्लेस के ऊपर ये बड़ी केयरफुल बड़ा केयरफुल एनालिसिस होता है अपने एम्प्लॉयज़ के मुतल्लिक, ये समझना और ये जानना कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने स्ट्रेस्ड हैं, आपके एम्प्लॉयज़ का लेवल ऑफ जो स्ट्रेस है वो कितना ज़्यादा या कितना कम है, एंड हाउ योर एम्प्लॉयज़ कैन बी हेल्प्ड आउट टू कोप विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. इफ़ यू आर अनएबल टू ब्रिंग योर एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ दैट सिचुएशन इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब. ये सब कुछ पढ़ाने का मकसद ये है कि एक तो जब आप वर्क प्लेस पर खुद होते हैं तो आपको भी पता हो कि आप कितने स्ट्रेस में हैं और आप दूसरों को भी हेल्प आउट कर सकें उनके स्ट्रेस को मिनिमाइज करने में. स्ट्रेस के साथ बहुत सारे बिहेवियरल सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं. ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपेयर हो चुका है आपके एग्जाम पेपर में, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, 6 सिम्टम्स पूछे गए थे, 6 मार्क्स का सवाल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट्स अ ह्यूज लिस्ट ऑफ सिम्टम्स, नॉट ऑल ऑफ देम शुड बी मेमोराइज, एटलीस्ट 6-7 तो पता होने चाहिए ना. बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं. For example, if someone is in stress, तो आपकी eating habits change हो जाती है. अच्छा, बाज लोग जब stress में होते हैं तो they eat a lot, और बाज लोग जो हैं उनकी भूख उड़ जाती है. How many of you eat a lot when you are in stress? कितने लोग आप में से जब stress में हैं तो बहुत खाते हैं? Good, good, very good. और कोई? Good. And how many of you simply lose your hunger? कितने लोगों की भूख उड़ जाती है? अच्छा, असद की भूख उड़ जाती है, सना की भूख उड़ जाती है, गुड. इसी तरह स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इसके भी दोनों एक्सट्रीम्स होती हैं. कुछ लोगों को स्ट्रेस में बहुत नींद आती है. किसको नींद बहुत आती है स्ट्रेस में? एनीवन? मरियम को नींद आती है, गुड. और किसको नींद आती है स्ट्रेस? और ये को भी आती है. अच्छा, बाज़ लोगों की नींद उड़ जाती है. एग्जैक्टली, सदफ को नहीं आती. वेन सम पीपल, ये दोनों. अच्छा, इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट मीन कि नींद आना सही है या नींद का ना आना सही है, दोनों ही अबनॉर्मेलिटीज हैं. इफ़ यू स्लीप अलॉट, ये भी अबनॉर्मेलिटी है. इफ़ यू यू नो कीप योर सेल्फ अवेक अलॉट, ये भी अबनॉर्मेलिटी.
अच्छा स्ट्रेस का फिर एक और सिम्टम है प्रोक्रेस्टिनेशन, थिंकिंग टू लॉन्ग, सोच में पड़ जाते हैं, सोच ही जाएंगे, टाइम ज़ाया करते रहेंगे। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, दिल करता है बस दुनिया सारी जहन्नुम में चली जाए और आप अकेले रह जाए पूरी दुनिया में, आइसोलेशन में आ जाते हैं। फिर अक्सर आप एडिक्शन की तरफ लग पड़ते हैं, स्मोकिंग। वैसे स्ट्रेस के सिम्टम्स कम और इश्क के ज़्यादा लग रहे हैं। दीज सिम्टम्स आर सीम टू बी मोर फॉलिंग इन लव। एनी वे यू स्टार्ट स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन बड़ी कॉमन हो जाती है स्टूडेंट्स में स्पेशली। नेल बाइटिंग, हाउ मेनी ऑफ यू बाइट नेल्स? जब टेंशन में होते हैं तो नेल बाइटिंग करते हैं। एंग्जाइटी बढ़ जाती है, एंक्शियस फील करने लग जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। इरिटेबल से क्या मतलब आता है? जल्दी किसी बात से तंग आ जाना, जल्दी गुस्से में आ जाना, फटीक, जल्दी थक जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, लूज हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन। सोशल विड्रॉल, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, दोस्तों से बात नहीं करते, व्हाट्सएप पे मोबाइल पे मैसेज आएगा तो पढ़ के देखेंगे बस लेकिन जवाब नहीं देंगे। फिर अक्सर लोगों के स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्पेशली जब आप एकदम कोई टेंशन लेते हैं तो आपकी स्टमक एक स्टार्ट हो जाती है, बास को हेडेक हो जाती है, बास को स्टमक एक हो जाती है। एपथी, एपथी का मतलब होता है लाताल्लुक हो जाना, लूजिंग इंटरेस्ट, एपथी कहते हैं लाताल्लुकी को। तो अक्सर लोग जो है वो एपथेटिक हो जाते हैं, सिंपली लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, इनडिफरेंस, एग्जैक्टली इनडिफरेंस हो जाते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरियस सिम्टम्स। ये बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके अंदाजा लगाते हैं कि एक इंडिविजुअल कितना स्ट्रेस में है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन सिम्टम्स को गौर से समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देन दे ड्रॉ कंक्लूजन दैट वट एक्सटेंट द पर्सन इज हाईली स्ट्रेस्ड आउट और बर्नड आउट। बंदा जो है वो कितना स्ट्रेस में है या कितना बर्नड आउट है। तो ये बड़ी एक कॉमन सी प्रैक्टिस है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं। So this question has also appeared in the examination, triggers of stress. Stress आता कहाँ से है? कुछ तो आपके job related figures तो होते हैं, जैसे आपकी organizational factors हैं, बड़े common हैं। इसके अलावा और भी triggers होते हैं जो कि connect कर देते हैं आपकी job के साथ। For example, जैसे environmental factors हैं, मतलब backend तो job ही होती है ना। अब अगर महंगाई बढ़ रही है लेकिन salary नहीं बढ़ रही तो आप stress में आ जाएंगे, तो ये job related stress ही कहलाएगी। इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, इकोनॉमिक अगर आप वॉर फरमाए तो ये पूरा पेस्टल यहाँ डिस्कस किया गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सारे के सारे पेस्टल से लिंक करते हैं। थ्रेट्स ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल फैक्टर, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी आ रही है और आपको लग रहा है कि अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई मशीन आ जाएगी जिसकी वजह से आपका काम अब मशीन करेगी, तो यू माइट बी फियर ऑफ लूजिंग योर जॉब। पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, ये इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो पूरा पेस्टल जो है वो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डिस्कस हो जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग जॉब स्ट्रेस। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल आपकी अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस हैं, आपका ऑफिस साफ सुथरा नहीं है, वर्क रिलेटेड हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी, जैसे ये लोग जो काम करते हैं लेट से इंडस्ट्री या माइंस में जो लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि उनके वर्क रिलेटेड हैजर्ड्स बहुत हाई होते हैं। एक्सेसिव नॉइज से स्ट्रेस पैदा होता है, एक्सट्रीम प्रेशर, दिस इज द मोस्ट कॉमन रीज़न। जॉब रिलेटेड स्ट्रेस की सबसे कॉमन रीज़न जो है वो यही है, प्रेशर टू परफॉर्म बहुत हाई है, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है काम का, रोल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं है मेरा काम क्या है, या एक इंडिविजुअल से मल्टीपल और कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स की जाती हैं, एक ही बंदे को आप दो दो तीन तीन काम कह रहे होते हैं वो बंदा भी स्ट्रेस में आ जाता है, तो यू क्रिएट यू नो मल्टीपल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑन द पीपल। एम्बिग्विटी होती है, आपको पता ही नहीं मेरा काम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपका रोल क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, अक्सर रोल्स एंड ड्यूटीज भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री इंटरपर्सनल और हॉस्टाइल रिलेशनशिप विद योर सुपरवाइजर, आपका सुपरवाइजर आपको हर वक्त डराता धमकाता रहता है, जॉब से निकाल दूंगा, काम करो वरना सैलरी काट लूँगा, तो भी स्ट्रेस पैदा होता है। जॉब, अच्छा कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो ज़्यादा आपको लिबर्टी या ज़्यादा आपको परफॉर्म करने का रूम ऑफर नहीं करते, इन्हें कहते हैं मोनोटोनस जॉब। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर है, एक 8 घंटे की शिफ्ट में एक ही काम बार 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 करेंगे, जैसे कॉल सेंटर्स की जॉब्स हैं। कॉल सेंटर की जॉब जो है उसमें वैरायटी नहीं है,
रेपिटेटिव नेचर की जॉब है, एक कॉल बंद होगी, दूसरी कॉल आएगी, दूसरी बंद होगी, तीसरी कॉल आएगी, आपकी 8 घंटे की शिफ्ट में आपने 20 कॉल सुनी, तो आपको जो है वो रेपिटेटिव नेचर की आपकी। या फिर कुछ जॉब्स जो हैं वो बड़ी अडेरेंस रिक्वायर करती हैं स्ट्रिंजेंट वर्किंग कंडीशन के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल माइन वर्कर्स होते हैं, माइन वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन बड़ी स्ट्रिंजेंट होती है, या फॉर एग्जांपल फर्नेस वर्कर्स होते हैं जो एम्प्लॉय फर्नेस पे काम करते हैं स्टील मिल में या फिर लेट्स से किसी टेक्सटाइल मिल में, तो ये वर्किंग बड़ी यू नो स्ट्रिंजेंट होती है। फिर लैक ऑफ ऑटोनॉमी से स्ट्रेस पैदा होता है, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते, आपके पास करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द जॉब रिलेटेड फैक्टर। फिर कुछ जॉब्स जो हैं वो सोसाइटी में ही मीनियल नेचर की होती है, मीनियल से मुराद ये बड़ी लो ग्रेडेड। देयर आर सम जॉब्स जिसकी माशरे में वक़्त बहुत कम होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेटर की नौकरी। अब एक रेस्टोरेंट का जो वेटर है उसकी जॉब मीनियल नेचर जॉब है, विच इज अ वेरी लो वैल्यू इन द सोसाइटी। नॉर्मली मीनियल नेचर जॉब करने वाले लोग ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में मल्टीटास्किंग बहुत होती है। एग्जैक्टली, आई जस्ट रेड योर कमेंट। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मल्टीटास्किंग, इसकी वजह से फिर आपको एक ही वक्त में आपके फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, एक ही वक्त में इंडिविजुअल से मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने को कहा जा रहा होता है, तो उसके रोल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। देन देर आर सम पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में आपकी हेल्थ सबसे ऊपर है, अगर आपकी हेल्थ पूरा होगी तो उसकी वजह से आपकी जॉब पे आप स्ट्रेस में रहेंगे। मैरिटल प्रॉब्लम्स, लेट्स से यू आर गोइंग थ्रू सम सेपरेशन और सम डिवोर्स एक्सेट्रा। अनडिसिप्लिन्ड चिल्ड्रन, बच्चे आपके बदतमीज हैं, आपकी बात नहीं मानते, और यू हैव जस्ट लॉट अ क्लोज रिलेटिव, यू जस्ट हैव लॉस्ट सम क्लोज रिलेटिव और सम फ्रेंड, या आपकी इनकम इनएडिक्वेट है, आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। So all of these are some of the critical factors at the level of your personal level pe. Ye personal level ke upar aapke job stress ke jo factors hain bada important role play karte hain ki kis tarah organizations in tamam factors ke sath cope karti hain. Acha, phir being a manager, ye aapki zimmedari hai ki aap kis tarah se apne employees ke in sare factors ko handle karte hain. ठीक है, इसीलिए फिर आपने नोट किया होगा कि जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉय के साथ पर्सनल लेवल का रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, ताकि एम्प्लॉय के साथ अपने पर्सनल मसाइल भी डिस्कस करें। तो यू हैव टू कम अप कम एट द पर्सनल लेवल, आपको फिर पर्सनल लेवल पे आना पड़ता है एम्प्लॉयज के लिए, आपको बहुत नीचे आके उनके पर्सनल मसाइल को सुनना पड़ता है। हाउ टू कोप विद जॉब स्ट्रेस, दैट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, इसके ऊपर सवाल अभी रिसेंटली आया था। कोपिंग मैं खा आया है कि नहीं आया, देखते हैं कोपिंग के ऊपर क्वेश्चन। हाँ, एक दफ़ा आया, 2 का भी बार था ये मार्च में। हाँ, कोपिंग विद जॉब स्ट्रेस, हाउ टू कोप विद जॉब स्ट्रेस। कोप करने का मतलब होता है हैंडल करना, टैकल करना। सो यू हैव मल्टीपल स्ट्रेटजीज विच कैन बी डिजाइंड टू कोप विद जॉब स्ट्रेस एंड टू अवॉइड स्ट्रेस इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर मैनेजमेंट एंड कॉलीग, कंसिस्टेंट नी जर्क रिएक्शंस को डिटरमिन करें। नी जर्क रिएक्शन का मतलब है कि किसी ऐसी सिचुएशन में आप आते हैं जो आपके स्ट्रेस को ट्रिगर करती है, आपके नेगेटिव एटीट्यूड्स को डेवलप करती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में कोई कॉलीग है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, और जब भी आप उससे बातचीत करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ही पैदा होता है, कोई बदमजगी पैदा होती है, जिसकी वजह से वो भी और आप भी दोनों स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो दैट्स अ नी जर्क रिएक्शन, इसे कहते हैं नी जर्क। नी जर्क बेसिकली एक समझ लें आप वो है एनालॉजी है कि जब आपको ठोकर लगती है कहीं पर तो नी जर्क होता है, तो हम अवॉइड करते हैं उस जगह को, या वी डोंट गो इन दैट प्लेस, ताकि दोबारा नी जर्क ना हो। तो कंसिस्टेंट नी जर्क रिएक्शन कौन कौन से हैं, and managers then avoid repeating those situations so that they can avoid those reactions in the future. So reactions ko avoid karna bada important hai. And then again, jo bhi puri baat ki thi, you have to take responsibility of your physical and emotional well-being. This is your responsibility, not anyone else. Ye aapki zimmedari hai na, kisi aur ki nahi hai. Nobody is going to take care of you as much as you can.
So basically, we have three broad strategies, team strategies. Number one, improving communication. Number two, identifying consistent needs and avoiding them. And number three, taking responsibility of our physical well-being. In three strategies, we implement karne ke liye, humare paas bahut sare tactics hain. Lekin strategy ka jo concept hai, broad hai. Strategy thodi si detailed hoti hai, lengthy hoti hai, broad hoti hai. Tactic short term hota hai. Kal bhi baat ki thi. Tactic kehte hain short term move ko. Ek short term move jo immediate result create kare. इसे हम टैक्टिक कहते हैं. टैक्टिक जो है दैट इज समथिंग विच क्रिएट्स एन इमीडिएट रिजल्ट. ठीक है, तो टैक्टिक्स जो है इसको समझना, इसको हैंडल करना, इसको मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, टैक्टिक्स किस किस्म के होते हैं? ब्रेकिंग बैड हैबिट्स फॉर एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक्स. एलिमिनेटिंग सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, ये किस स्ट्रेटजी को हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप अपने लिए खुद ले रहे हैं. तो हर टैक्टिक जो है वो किसी ना किसी फैक्टर के साथ लिंक हो रहा है, अभी हम देखते हैं. तो व्हेन यू ब्रेक ए बैड हैबिट्स फॉर एग्जांपल, नेवर ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल. जब हम बहुत ज्यादा नी जर्क बेसिकली सिचुएशनल फैक्टर होता है. हाँ, अल्टीमेटली इट मे रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग योर मूड एज वेल एज योर ट्रिगरिंग योर इमोशन. नी जर्क का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगे कि अगर मैं इस सिचुएशन में आऊंगा तो प्रॉब्लम ही पैदा होगी. जैसे आपका कोई दोस्त है या आपका कोई लेट्स से दोस्त का दोस्त है, आपको पता है कि जब भी उससे बात होती है बदतमीजी होती है, तो फिर आप अवॉइड ही करेंगे ना उससे बात करना. ये अब वो जो इंडिविजुअल है वो अपनी जर्क सिचुएशन में आपको लेके जाता है. सो यू विल ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन सो दैट यू कैन अवॉइड नी जर्क. ठीक है, आप उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे ताकि आप नी जर्क को अवॉइड कर सकें. ठीक है, तो नी जर्क का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो रिपीट हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करे. स्विच फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है. टाइडी अप योर एक्ट, अपने आप अपना ख्याल रखें, सफाई से काम करें, टाइडी डेस्क, मेक टू डू लिस्ट. सारे फर्स्ट चैप्टर वाले पॉइंट. रेजिस्ट परफेक्शनिज्म, नो वन कैन बी परफेक्ट, दिस इज अनरियलिस्टिक. आप अगर परफेक्शनिस्ट की तरफ जाते हैं सो दैट विल लीड टू अ प्रॉब्लम. स्ट्रेस को डिस्पेल करें, अब ये कम्युनिकेशन से कर सकते हैं. डिस्पेल, देखें स्ट्रेस को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. जब भी आप किसी भी जगह पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वी हैव टू डिस्पेल इट. अच्छा, डिस्पेल कैसे करते हैं? लुक फॉर ह्यूमर इन सिचुएशंस. ह्यूमर इज अ वेरी गुड टूल टू डिस्पेल स्ट्रेस. स्ट्रेस को डिस्पेल करने के लिए आप ह्यूमर को यूज कर सकते हैं. कनेक्ट विद अदर्स, दूसरों से बातचीत करें. Talk it over with someone, again communication, take a break, go for some walk, do some gym. अपनी EI को improve करें. EI पे हमने पहले भी बात की थी. Emotional intelligence का मतलब ये होता है कि किस हद तक आप emotional cues को समझ सकते हैं. How good you are at understanding and managing your emotions and others' emotions in a positive and constructive way. तो EI को strong करने का मतलब है कि आप अपने emotions को use करते हैं दूसरों से बेहतर होने के लिए या दूसरों के साथ बेहतर रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए. EI के अंदर चार चीज़ें होती हैं, ये चार कॉम्पोनेंट्स हैं EI के. जिसकी EI स्ट्रांग होती है उसमें चारों चीज़ें हाई होती हैं. सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर सेल्फ, सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेजिंग योर सेल्फ, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो चार चीज़ें होती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर. सेल्फ अवेयरनेस से मतलब ये है कि आप कितना अपने इमोशंस को समझते हैं, और सेल्फ मैनेजमेंट आप सिचुएशनली किस तरह अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं. इसी तरह भी है. हाँ, EI को एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. EI को इम्प्रूव करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये है कि आप इमोशनल क्यूज को टैकल करना शुरू करें. EI को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी हैं इसके ऊपर. बहुत सारे इंटरनेट पर अगर आप जाएँ तो EQ टेस्ट हैं बहुत सारे अवेलेबल. आप EQ टेस्ट सॉल्व किया करें. बेसिकली उसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होते, वो सिर्फ ये जज करते हैं कि आप कितना कंट्रोल रखते हैं अपने इमोशंस पे और आप सिचुएशन के मुताबिक कैसे रिएक्ट करते हैं. कुछ लोगों की जो EI है वो बाय डिफॉल्ट बड़ी स्ट्रांग होती है, इनहेरिटेड होती है. कुछ की EI थोड़ी वीक होती है, बट यू कैन वर्क आउट, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं. ये ब्रेन एक्सरसाइज है ना, जिस तरह अगर आपने किसी ने अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो जिम जाएगा ना. You think you are a perfectionist and that lead you towards job stress. देखे ना, आपको लगता है कि आप perfectionist हैं और यही एक reason है जिसकी वजह से आप stress में चली जाती हैं बहुत दफा. जाती हैं कि नहीं जाती?
तो डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है, गलती हर एक से होती है। मेंटल एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इमोशनल क्वेश्चन टेस्ट सॉल्व किया करें। देखिए ऐसी है ना, जैसे इफ समवन वांट्स टू मेक सम बॉडी तो वो जिम जाएगा, इसी तरह दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है। दिमाग की एक्सरसाइज क्या होती है कि आप ऑनलाइन या इस तरह से आप कोई ना यू आर अब देखें ना, यू आर यू हैव फोर पेपर्स एंड सो टू से कि यू वांट टू डू एवरीथिंग वेरी प्रिसाइजली एंड वेरी सक्सेसफुली, डेफिनेटली यू विल डू, लेकिन परफेक्शनिज्म लीड्स टू स्ट्रेस। बेसिकली बात ये हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो नहीं सकती। लोग होते हैं परफेक्ट, ठीक है, और हर लिहाज से, यानी जो काम वो कर रहे होते हैं, नॉट इन एवरी डायमेंशन, लेकिन जो काम वो कर रहे होते हैं उसमें बड़े परफेक्ट होते हैं, लेकिन परफेक्शन को एक्वायर करना, परफेक्शन को गेन करना, उसको होल्ड करना, इट इट कॉस्ट अ लॉट। इसकी बड़ी कीमत देनी पड़ती है आपको, ठीक है, इट इट कॉस्ट यू अ लॉट। तो परफेक्शन इज समथिंग विच हैज अ ह्यूज कॉस्ट। तो जहाँ तक मुमकिन हो सके परफेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। Nobody can be perfect. To me, nobody can. People try to be perfect, but still, totality में perfect तो खैर कोई नहीं होता। और perfect होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जान मारनी पड़ती है। So we have four dimensions of EI: self-awareness, knowing yourself, self-management, अपने emotions को, अपनी अपने ways of doing things को manage करना, social awareness, knowing others, दूसरों के emotions को समझना। जैसे आप अपने अक्सर ये होता है पेरेंट्स के चेहरों को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि इनका मूड कैसा है, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आप उनके चेहरे के तासुरात देख के समझ जाते हैं कि इस वक्त मतलब कितना ख़राब है। तो ये आपकी ईआई हाई होती है, इट शोज दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्गर ईआई। एंड देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कुछ लोगों को सारे बंदे अच्छा समझते हैं यार वो बड़ा अच्छा बंदा है, और कुछ के बारे में हर कोई कहता है यार वो अच्छा बंदा नहीं है, क्योंकि उसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं आती। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन, ठीक है ना। रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप्स, यू नो हाउ टू पुट एवरी रिलेशनशिप ऑन इट्स पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर आप रिलेशनशिप्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स दैट यू आर डूइंग अ वेरी पुअर जॉब। ओके, लेट्स कंक्लूड इट, कर लेते हैं। प्रायोरिटाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ये वही टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। मेरे ख्याल इसमें कोई बात दोबारा, दैट्स अ ह्यूज लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है, और नॉट नेसेसरी के सारे जो उसमें टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे, ठीक है। यू शुड बी वेरी क्लियर कि अगर कोपिंग स्ट्रेटजी पर सवाल आता है तो आपने देखा किस किस एरिया पर क्वेश्चन आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है, प्रायोरिटाइज करने के बारे में बात कर रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप उसको अपना रिप्रोड्यूस करेंगे। यू हैव टू प्लान रेगुलर ब्रेक्स, लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, डोंट ओवर कमिट। अच्छा, ओवर कमिटमेंट इज़ वेरी बैड। मैंने 5 पेपर इकट्ठे देने हैं, ये ओवर कमिटमेंट है। ये ओवर कमिटमेंट आपको बहुत टाइट कर देती है अपने स्केड्यूल में, और फिर आप स्पॉन्टेनिटी पे आ जाते हैं। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबिलिटी, आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक बैलेंस स्केड्यूल होना चाहिए। इसी तरह फिर टास्क मैनेजमेंट है, बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, डेलीगेट करना, सब डिवाइड करना, प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बात हो गई काफ़ी डिटेल में, एक्सरसाइज, ईटिंग हैबिट्स, अवॉइड निकोटीन, रिकॉग्नाइज वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस बना दें सिम्टम्स, रिकॉग्नाइज करें सिम्टम्स को, जैसे किसी सिम्टम को लगे कि आप में सिम्टम है तो फौरन उसको रिएक्ट करें। तो रिकॉग्नाइजिंग वार्निंग साइंस से मुराद क्या है, सिम्टम्स की बात होगी। और जो सिम्टम्स हैं वो वार्निंग साइंस है ना, बेसिकली वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको रिजॉल्व ही करना है। इम्प्रूव करें अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को, कैसे कर सकते हैं, कल्टीवेट अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली माहौल को कल्टीवेट करके, एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट करके, डिसीजन मेकिंग को पार्टिसिपेटिव बना के, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके, कम्युनिकेशन को शेयर करके। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन इम्प्रूव योर मैनेजमेंट स्किल्स, इन विच यू कैन ट्राई टू एनहेंस द वे यू ऑपरेट, ठीक है। इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो विद, बट स्टिल देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू ट्राई टू कोप विद विद योर स्ट्रेस। बल्कि स्ट्रेस का क्वेश्चन देख लें अगर हम, कौन सा आया था मार्च में, इफ यू कैन जस्ट लुक एट इट। यस
Just a moment. ओके टू का बी था. ब्रीफली डिस्कस द टैक्टिक्स. टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं. दैट मे बी अप्लाई टू रिड्यूस द स्ट्रेस. फोर मार्क्स. तो जब भी हमने डिस्कस किए सारे टैक्टिक्स ही हैं ना बेसिकली. ऑल ऑफ दीज आर द टैक्टिक्स. तो इनमें से आपने अब नॉट ऑल ऑफ देम सारे नहीं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग बैड हैबिट्स जो मेन हेडिंग है कम अज कम डिस्पेल मेन हेडिंग्स को ई आई ए ठीक है ये टैक्टिक क्योंकि देर आर ओनली फोर मार्क्स. तो नो नीड टू एक्सप्लेन द होल टॉपिक. पूरा एक्सप्लेन करने का फायदा कोई नहीं सिर्फ चार नंबर ठीक है. तो मेन हेडिंग्स को आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं. डो लुक एट इट सोल्यूशन कि उसने कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ. इसीलिए देखा ना ये बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है. इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन जो है उसने सिर्फ ये नहीं पूछा कि चार बताएं या तीन बताएं या दो बताएं. उसने जनरली पूछ लिया कि डिस्कस करें टैक्टिक्स को. आपको कितने टैक्टिक्स आपने डिस्कस करने हैं दैट्स डिपेंड्स कि कितने मार्क्स हैं इसके ठीक है. ना 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 वो सिम्टम्स हैं. हाँ जी वही वाले जी वही वाले. आई गेस यू आर आस्किंग अबाउट द वार्निंग साइंस. यस इट इज अ वेरी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके अंदर आपके लिए काफ़ी कुछ है क्योंकि बिहेवियर्स तो आप साथ साथ खुद भी इनकाउंटर कर रहे होते हैं. एक्चुअली मैनेजमेंट को अभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस इसलिए नहीं किया कि अभी आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है अभी आपने फर्म में जाना है. लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े हेल्पफुल हैं क्योंकि आप ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की लाइफ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं. सो यू माइट बी एबल टू कनेक्ट बेटर विद दीज टॉपिक्स. आप बेहतर तौर पर कनेक्ट करने के काबिल हैं टॉपिक्स के साथ ठीक. चलो कल जो है फिर इसके वो रिव्यू देखते हैं इसका वो पास्ट पेपर्स का एंड देन विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. आई ऑलरेडी रिक्वेस्टेड हर इंशाल्लाह कल मैं करवाता हूँ कल या सैटरडे को. आई विल डू इट ऑन सैटरडे ठीक है. हाँ वो आपके मिट से पहले होनी थी. चलें खैर सैटरडे को करते हैं इंशाल्लाह. विल डू दैट ठीक है. चलें ओके देन सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.